सेक्स वर्कर्स को सम्मान की नजरों से देखना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। मगर मुंबई के लेमिंगटन रोड स्थित महिला सेक्स वर्कर्स का आर्थिक शोषण का मामला सामने आया है। यह हम नहीं, स्वयं शिकायतकर्ता विलास रूपवते बता रहे, जो खुद घाटकोपर में रहते हैं। रूपवते ने आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री को शिकायत पत्र लिखकर अवगत कराया कि मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस थाने क्षेत्र में महिला सेक्स वर्कर्स की कमाई का 75% हिस्सा पुरुष दलाल खुद के जेबों में डाल लेते हैं और महिला सेक्स वर्कर्स को सिर्फ 25% रकम देकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे रिपोर्टर विनोद कामले ने रूपवते से खास बातचीत की है। ग्रैंड रोड यहाँ पे जो सेक्स वर्कर का व्यवसाय चलता है, वहाँ पे जो महिला है उन्होंने दलालों के बारे में मेरे पास तकरार दी, मुझे उन्होंने बताया। फिर मैंने जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतीश पाटिल साहब, इनके पास मैंने निवेदन दिया। इतना ही आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, क्या जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, या तो हम आजाद मैदान है या सीपी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री को शिकायत देकर पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन फिर भी संबंधित पुलिस थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यह जानकारी शिकायतकर्ता विलास रूपवते ने दी है। इसके बाद रूपवते ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द पुलिस द्वारा दलालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भव्य निषेध मोर्चा निकाला जाएगा। आपको बता दें कि रूपवते कई सालों से बेसहारा महिलाओं को इंसाफ अधिकार दिलाने के लिए संगठन बनाकर प्रशासन को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।